Live, a platform to sharing your thoughts. एमआई रोड व्यापार मंडल के दीपोत्सव में शहर का यह ऐतिहासिक बाजार जगमगा रहा है। यहाँ की रोशनी को और सजावट को देखकर लगता है जैसे चांद सितारे आसमान से जमी पर आ गए हैं। और इन सब के पीछे जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग है, जो प्रयास हैं, वो हैं एमआई रोड व्यापार मंडल के महामंत्री सुरेश सैनी, जिनके प्रयासों से यह सजावट की गई है। हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे किस तरह की ये तैयारियां थी, क्या योजना है और किस तरह का यहाँ पर प्रोत्साहन मिल रहा है ग्राहकों की ओर से। निश्चित तौर पर एमआई रोड व्यापार मंडल सबसे बड़ा शहर है जयपुर शहर का, और यहाँ ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स के सबसे बड़े शोरूम हैं। हमने देखा कि इस बार की कुछ मत्ती है और वो मत्ती किस तरह से दूर हो, कस्टमर एमआई रोड पे कैसे आए, खरीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए अब जो 5 दिन की सजावट होती थी उसको 7 दिन के लिए किया गया है। और इस सजावट को नए रूप में दर्शाया गया है। चांद सितारों की चादर जमी पर जिस तरह से एमआई रोड पर नज़ारा आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर टूरिस्ट यहाँ बहुत हैं, खरीदार यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं। और 7 दिन अगर ये चलेगी तो उसमें जितने भी खरीदारों के शुभ मुहूर्त हैं, धनतेरस भी आएगी और भी छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, तो निश्चित तौर पर यहाँ की खरीदारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी और उसका फ़ायदा यहाँ के व्यापारियों को होगा। इसके लिए हमने यहाँ की सजावट को 7 दिन का कर दिया गया है और यहाँ की ऐतिहासिक 5 बत्ती जो एक नए रूप में सजी है उसको देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, जो पहली बार हमने महसूस किया है कि धनतेरस को पूरे दिन और पूरी रात बाज़ार खुलेगा और सजावट भी पूरी रात चलेगी। ये एक पहला प्रयास है जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में कि इस तरह की वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही है कि ग्राहक आराम से वहाँ पार्किंग कर सके, खरीदारी कर सके और यहाँ के जो व्यापारी उनको फ़ायदा हो सके। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सजावट का आगाज़ किया है और आपने उनका स्वागत किया है, बहुत ही आत्मीयता भी मुख्यमंत्री ने आपके प्रति दिखाई, तो किस तरह का उनका रुझान था, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया थी इस सजावट के लिए? देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो शुभकामना दी जयपुर शहर को सजावट के लिए और ख़ास तौर पर एमआई रोड को, क्योंकि एमआई रोड ने शुरुआत सबसे पहले की है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अशोक गहलोत साहब दिवाली पर बहुत कम आ पाते हैं जयपुर शहर के लिए, लेकिन व्यापारियों के लिए उतरे। और ये भी बात कही कि इस ऐतिहासिक मद्दी में जिस तरह का आपने उत्साह दिखाया है, व्यापारियों ने जो एकता दिखाई और जो इतना खर्चा करके सजावट की गई है, सराहनीय है। एक परंपरा और मान्यता है कि दिवाली और धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी करने से घर में सुख संपदा आती है, इसलिए धनतेरस पर लोग सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं। एमआई रोड पर एमआई रोड व्यापार मंडल की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी दुकानों और सभी शोरूम्स पर शानदार प्रोडक्ट रखे गए हैं, ऑफर रखे गए हैं। जेकेजे के प्रति लोगों का एक परसों पुराना भरोसा है, एक विश्वास है और ये 150 साल पुराना यहाँ पर ये शोरूम है और ये विश्वास लगातार वर्षों से कायम है खरीदारों का। हमारे साथ प्रमोद जी हैं। सर, किस तरह की तैयारी है इस बार दिवाली पर, धनतेरस पर? धनतेरस पे हमारे पास 27,000 डिजाइनों के लिए हमने स्पेशल स्टॉक किया है धनतेरस के दिन, और आज के दिन सोना चांदी हीरा खरीदना बहुत बढ़िया शुभ माना जाता है हिंदू त्यौहार में। एक साल में एक ही दिन ऐसा होता है कि ग्राहक चाहता है कि मैं धनतेरस को ही लेना चाहूँ, ले रोज़ लेते ही हैं, लेकिन आज धनतेरस के लिए विशेष ग्राहक चांदी और सोना लेने के लिए घर से निकलते हैं। एक लंबा सफ़र तय किया है जेकेजे ने 1868 के बाद, अब 2019 में, इस सफ़र को कैसे आप देखते हैं, किस तरह से क्या बदलाव है और आपने भी क्या बदलाव किया समय के हिसाब से? ये समय के हिसाब से सबसे पहले हॉलमार्किंग ज्वेलरी पहला शोरूम था अपना, उसके बाद में हमें ग्राहकों का प्यार मिला, ग्राहकों का विश्वास मिला और हमने जो ग्राहकों को चाहिए था उससे ज़्यादा ग्राहकों को दिया विश्वास, तो ग्राहक ने सोचा कि जो चीज़ दे रहे हैं जेकेजे वो और कोई नहीं देता है क्या नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर इसलिए इतना विश्वास हो गया कि अपने बच्चे से ज़्यादा हमें विश्वास ज़्यादा करते हैं। विनायका ज्वेलरी पर भी सोने चांदी की इस बार वाइड रेंज है, सोने चांदी के जो प्रोडक्ट हैं, डिज़ाइन हैं, साथ ही गहने हैं, उन गहनों के आभूषणों के कई शानदार यहाँ डिज़ाइन इस बार दिवाली पर रखे गए हैं। विनायका ज्वेलरी के संचालक आदित्य हमारे साथ हैं, वो बताएंगे इस बार कि क्या तैयारी है दिवाली की।
दिवाली पे इस बार हम लोगों ने चांदी के आभूषणों का और चांदी के बर्तनों का काफ़ी अच्छा डिस्प्ले करा है। हमने काफ़ी तरह के नए आइटम बनाए हैं, लाइट वेट ज्वेलरी पे फोकस करा है, ग्राहकों के लिए काफ़ी सारे अट्रैक्टिव ऑफर रखे हैं और हम सभी जयपुर वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उनको इन्वाइट करना चाहेंगे हमारे शोरूम। जाहिर सी बात है, सजावट का अब प्रदेश में आने वाले देश विदेश के जो सैलानी हैं वो और शहरवासी आनंद उठा पाएंगे और एक बेहतरीन एक खुशनुमा दीपोत्सव इस एमआई रोड पर मनाया जाएगा। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव जयपुर। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।